प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट रहा और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अक्टूबर में SU मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है। तो इसी मुद्दे पर आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया राय खान जी की बेबाक राय। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कौन सा इस्लाम है कि मदरसे के अंदर लड़की ना मिले तो लड़के का भी रेप कर दो? आपके पीर साहब ने रेप किया था, अरेस्ट भी हुए थे और फिर डकैतों ने मिल करके बोला कि हम तो पूरा थाना उड़ा देंगे अगर आपने पीर साहब को छोड़ा नहीं। पीर साहब रेप करे कुछ भी करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कौन सा इस्लाम है, ये कहाँ का इस्लाम है, ये कहाँ पर कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि पीर साहब रेप कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है? ये कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? हमारा अलकुरान तो कहता है कि हमारा कोई धर्म गुरु ही नहीं होता है, हमारे में तो कोई पीर साहब वगैरह कुछ होता ही नहीं है, ये तो हमारा अलकुरान कह रहा है। तो आप पीएम मोदी को SU की मीटिंग में बहुत जोश में बुला तो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की जो विचारधारा है, पीएम मोदी की जो सभ्यता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के जो संस्कार है, वो क्या एक्सेप्ट करने को तैयार है आप लोग? हमारे यहाँ महिलाओं को देवी स्वरूप देखा जाता है। कल ही महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए स्पीचेस दी हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे देश की महिलाओं के ऊपर अगर कोई नजर उठा करके भी देख रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी राज्य हो। हमारे भारत में 28 राज्य है और 28 राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने चेतावनी दी है, महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज या महिला के साथ छेड़छाड़ या महिला के साथ कोई क्राइम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे योगी महाराज जी को देखिए, वो तो ऐलानिया कहते हैं कि इस गली में छेड़ोगे महिला को, दूसरी गली में यमराज पाओगे। तो आप SU की मीटिंग में बुला करके अपना फायदा लेने के लिए तो आप बुला रहे हैं अभी, लेकिन विचारधारा एक्सेप्ट करने को तैयार है? नहीं है। जब हमारे भारत के मुसलमान विचारधारा जो है, खूबसूरत विचारधारा, सभ्यता वाली विचारधारा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान जैसा नंगा नाच करने वाले मुसलमान कहां से मोदी जी की विचारधारा को एक्सेप्ट करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये बेहुदे बदतमीज अश्लील मुसलमान सिर्फ आपके यहाँ है? नहीं। देखिए अनम, मैं किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहती हूँ, हमारे भारत में ऐसे अश्लील मुसलमान हैं और कई बार मैंने अभी बोल दिया आपको उत्तराखंड के बारे में, अब भी आपको बता दिया कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता था, पॉर्न मूवी दिखाता था। कभी भी क्राइम को छुपाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। देखो आपका ही पाकिस्तान इज़राइल को गाली देता है, यहूदी को हम नहीं मानते, हिंदुओं को काफिर बोलता है, लेकिन देखिए आप प्लास्टिक के बॉटल से लेकर के गाड़ियां तक आप इज़राइल का इस्तेमाल करते हैं। अब पैसे की जरूरत आई है तो भाई हिंदू काफिर को भी आप लोग इनवाइट कर रहे हैं, पूरा पूरा उसका जूता चाटने को तैयार है ना? पीएम मोदी क्या है, वो तो भाई अपने अपने आप को एकदम कट्टर हिंदू बताते हैं। उन्होंने तो कभी अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाई नहीं है, उन्होंने तो कभी सर पर टोपी पहन करके लोगों को टोपी पहनाया नहीं है। उनका जो रिलीजन है, उस रिलीजन को वो मान अदर करते हैं और बाकी सारे धर्मों को भी वो बहुत इज्जत देते हैं। तो आज एक तरफ आप चाइना, जो इस्लाम को रोज बेइज्जत करता है, लाइलाहा का टाइल्स लगवा करके उस पर चप्पल रखता है, एक तरफ चाइना जो मस्जिदें तोड़ करके हगने की जगह बनाता है, आप पैसे के लिए उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसराइल जिसको आप रोज गालियां देते हैं, आपकी सरकार, आपका आपकी आर्मी, आपकी आवाम रोज यहूदियों को गाली देता है, पर प्लास्टिक के बॉटल से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेकर के और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के सामान आप इसराइल के ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आप हिंदुओं को काफिर गला रेत देंगे, नारे तकबीर पर नंगा कर देंगे, उनकी बहू बेटियों को रेप कर देंगे, और फिर अब पैसे की जरूरत पड़ी है तो आप लीजिए, अब आप मोदी जी को भी बुला रहे हैं, वो तो हिंदू है, आपकी नजर में तो वो काफिर है। तो मतलब मुसलमानों ने अपनी बात को, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान ने अपनी बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया,
हमको रुपया की जरूरत पड़ेगी तो हम किसी का भी तलवा चाट लेंगे, और जैसे ही हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर हम उसको अपनी शब्दावली से, अपनी घिनौने अल्फाज से हम उसको नंगा कर देंगे। एंड द सेकेंड एंड द थर्ड थिंग इज अनम, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सरकार ने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेकर के मोदी जी को इनवाइट किया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। बांग्लादेश में जमायत इस्लामी पाकिस्तान का, हिफाजतुल इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का, और ऐसे 10 से 11 का लिस्ट मैंने बना करके रखा है जो पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन है, और बांग्लादेश में जो हाहाकार मचाया है और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया है, उसके बाद आप लोगों को ये एहसास भी कैसे हुआ कि मोदी जी वहां पर जाएंगे? ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि मोदी जी वहां पर जाएंगे। हाँ, मोदी जी का के टीम का कोई एक बंदा हो सकता है, क्योंकि एससीओ की मीटिंग है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, तो हो सकता है कि कोई उनके टीम का चला जाए, लेकिन मोदी जी जाएंगे ये तो सोच ही बेकार थी। और सबसे लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अभी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम है जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन का, और जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला को आपकी सरकार और आपकी आर्मी जिहादियों का सपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है, और फारूक अब्दुल्ला के मैनिफेस्टो से भी समझ में आ रहा है कि उनका मैनिफेस्टो जो है वो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और अलकायदा के साथ बैठ करके बना है और उनको खुश करने के लिए ही बना है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालात में मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसी नापाक जगह पर वो कदम रखें। ये मुसलमानों को जरूर लगता होगा कि वो बड़े पाक और मुकद्दस है, वो बड़े खूबसूरत है, ये आपको जरूर लगता होगा, इस्लामिक देश को जरूर लगता होगा, मुसलमानों को जरूर लगता होगा, लेकिन जब वही मुसलमान अपने गृहबान में झांकेंगे और जब पाकिस्तान अपने गृहबान में झांकेगा तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम के ऊपर एक काला धब्बा लगाने वाले मुसलमान ही हैं जो अपनी बेहुदा करतूत की वजह से, जो अपनी जिहादी करतूत की वजह से कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में अपने आप को तो बदनाम कर ही रहे हैं, साथ साथ मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान को नापाक सरजमीन का नाम दिया। बिल्कुल मैम, लेकिन फिर भी मैं अपनी ख्वाहिश रखती हूँ कि पीएम मोदी आए और पाकिस्तान के हालात बदलें, थोड़े से हमारे बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वो ख़त्म हो, ट्रेड स्टार्ट हो। मेन थिंग है ट्रेड, ट्रेड स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली जो है पाकिस्तान की जो गुर्बत, मतलब एक चक्की में एक पीस रही है ना, वहाँ ऑटोमेटिकली उसको रिलीफ मिलेगा। मैं इस पर आपको बस रिप्लाई दे करके खत्म करूंगी, हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं रहा है। जब उनके बीच में होता है, जब दो लोग बराबर के होते हैं, दो लोग एक एक टक्कर के होते हैं, जब उनके बीच में नहीं होता है जो अपने देश को खुद अपने हाथों से कब्रिस्तान बना चुका है, उनके उनके साथ में जंग करके क्या फायदा है? आज मुझे अगर कोई भिखारी रोड पर गाली देगा तो मैं उसके हाथ में 10 रुपए पकड़ाऊंगी और मैं हंस दूंगी, लेकिन मेरे टक्कर का कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई मर्द अगर आकर के मुझे गालियां देगा तो मैं उसको बताऊंगी कि नाजिया इलाही खान कौन है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो मुझे गालियां देते हैं, जो मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां रखते हैं, जो एलिगेशन रखते हैं, मैं वो कुछ रिप्लाई भी नहीं देती हूँ कि भाई तेरी औकात ही क्या है, मेरे चप्पल के बराबर भी नहीं है, मैं तुझे क्यों रिप्लाई देने जाऊँ, इससे तू बड़ा हो जाएगा, मैं छोटी हो जाऊंगी। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि आप कब्रिस्तान हो चुके हैं, आप हमारी तरफ से एक भी एक्शन या रिएक्शन आप बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। बट चलें, होप फॉर द मैन, देखते हैं कि क्या होता है, पीएम मोदी आते हैं या फिर एस जयशंकर आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, देखते हैं सून क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। अब बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपकी अपनी पर्सनल क्या राय है जो कि देख रहे हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स में। आप मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ भारत पाकिस्तान पे बात की बल्कि चर्चा की प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। और आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या मोदी जी को अक्टूबर महीने में पाकिस्तान जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।